बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? समीज करती कि आप सब खरीय से होंगे। अल्लाह का शुक्र कि मैं अभी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तमाम खुशियाँ अता फरमाए। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा के तो आल पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार आप लोगों तक पहुँच सके। तो भी ये जो हमारे मुर्गे हैं ना, इन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ है। तो ये दीवार पर आके इस सेहन में आ जाते, फिर इतना गंद डालते हैं। और मैं इसको नीचे भगा रही हूँ, लेकिन नीचे मैं ज़्यादा इसको जोर नहीं दे रही, क्योंकि अगर नीचे छलांग लगाएगा ना, फिर इसको ना चोट लगने का खतरा है, इसको कहीं चोट ना लग जाए। तो लीवर आज तकरीबन 10वां महरम है, और लोगों ने कुछ परसों लोगों ने कब्रों में मिट्टी वगैरह डाली है, कुछ कल और कुछ आज लोगों ने। कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी, परसों भी संडे था, संडे को भी छुट्टी थी। और मैं गई हुई थी अपने मेके, और वहाँ से अपने मेके घर से हो के तो उधर काफ़ी टाइम लग गया। पहले मैं अपनी छोटी भाभी के घर गई, फिर बड़े के घर गई, इस तरह से उधर काफ़ी टाइम गुजर गया। तो वापस भी फिर मैंने ना, मेरा बहनोई था साथ, उसने कहा कि चलो अब वालदेन की कब्रों पे दुआ मांग ले। तो मेरी सिस्टर और मैं कहने लगी कि औरतों को तो कब्रों में जाना मना, तो मना किया गया है, तो औरतें नहीं जा सकती। तो मेरे बहनोई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चले जो आप ना नकाब कर लो, नकाब करके ना चला जाता बंदा, कुछ नहीं होता, तो आप इधर कहीं धूप में सड़क पे खड़े रहोगे तो आप इधर सड़क पे धूप में खड़े रहोगे। और कहते हैं कि महरम के साथ जा सकते, और मेरे साथ मेरा बेटा था, तो मेरी सिस्टर के साथ उसका मियाँ था, तो दोनों के साथ थे महरम, तो महरम के साथ कहते जा सकते, ज़्यादा मजबूरी उस सूरत में जा सकते हैं। लेकिन चलो वालदेन की दुआ, कब्रों पे जाना चाहिए, दुआ जाके मांगनी चाहिए। और मेरे भाई वगैरह, एक ही मेरा भाई है, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जाता है और दुआ वगैरह मांगता है, जिस तरह गाँव में रिवाज होता है कि जो मिट्टी वगैरह कब्रों पर डालते हैं, फिर उधर ऊपर पानी वगैरह का छिड़काव करते हैं, कुछ कब्रों की लबाई वगैरह कर देते हैं। कुछ लोगों ने वैसे ही पक्की बनाई हुई है, लेकिन दरमियान में से कच्ची होती है, उधर भी लोग मिट्टी डालते हैं, कुछ कच्ची बनाई होती है। तो इस तरह से सुबह की मैं गई हुई थी उधर, आज जब मैं सुबह तैयार हुई थी ना, जाने लगी थी, तो बारिश आ गई थी, तो बारिश की वजह से मैंने ना अपना जो प्रोग्राम था मैंने कैंसिल कर लिया। मैंने कहा बादल बहुत ज़्यादा आ गए तो बारिश आ जाएगी, तो लेकिन फिर जब मैंने देखा तो बारिश ख़त्म हो गई थी, धूप निकल आई, तो फिर मैं चली गई। और उधर से मैं अभी आई हूँ, और अभी हमने तकरीबन मेरी भाभी ने उधर ना न्यास वगैरह दलवाई थी, तो उसने मुझे सालन जो बना हुआ था वो दे दिया। बच्चों के सब के रोज़े हैं, मेरा सिर्फ नहीं रोज़ा, क्योंकि मेरा बीबी का मसला है और तबीयत ख़राब हो जाती है। रमज़ान में मैं तो कैप्सूल वगैरह खाना पहले से शुरू कर देती हूँ, कैप्सूल खा लेती हूँ, रोज़ाना भी कैप्सूल खा के फिर रोज़ा रखती हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मैं 8-10 दिन पहले कैप्सूल वगैरह खाना शुरू कर देती, और ना मैं 10वें महरम का ज़्यादा नहीं तो 2 रोज़े रख लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा अगर मैं रोज़ा रख लूँ ना, फिर मेरे जो गैस बन के ना दिमाग को चढ़ती है, फिर वो गुबार की वजह से ना फिर मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, और इस तरह से बीपी भी हाई हो जाता है, तो फिर बड़ा मसला पैदा होता है। तो इसलिए मैंने नहीं रखा, बच्चों ने रखा हुआ है, और असर की जान हो गई है, तो नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली है। तो अब किचन में चलते हैं, और जो रोटी वगैरह बनानी है वो बनाएंगे, और साथ में कोई और चीज़ बनाएंगे बच्चों के लिए। करते हैं रोज़े का, बच्चों ने रोज़ा रखा है उसका करते हैं इंतज़ाम, और चलते हैं हम किचन में। तो अल्लाह ताला जिन लोगों ने रोज़े रखे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे, और इस महीने के सदक़ा अल्लाह ताला को सबको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आप लोगों को भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो व्यूअर ये थी मेरी आज की जो छोटी सी वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ कर दी शेयर। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना और मुझे फुल आप सपोर्ट करें, मेरी जो नीयत है, मेरी नीयत बहुत अच्छी है, और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट आप लोगों ने किया, और तो इस तरह से जो मैंने सोचा हुआ है, अल्लाह करे मुझे उसमें अल्लाह कामयाब कर दे। तो मुझे जुनून की हद तक, मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया, जुनून की हद तक मुझे शौक है, जो काम मैं करना चाहती हूँ, मैं फ्लाई काम करना चाहती हूँ, तो लेकिन अभी कोई कामयाबी नहीं मुझे मिल रही। जैसे ही कामयाबी मिलेगी ना, फिर तो उस दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन होगा।
तो आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करना है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहन भाई के साथ शेयर करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ जो मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।